स्नान वाटर टैंक लाए हैं, खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सॉल्यूशन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच न्यूज़ टीवी। आई नजर डालते हैं हैदराबाद न्यूज़ एक्सप्रेस के खास खबरों पर। हुसैन सागर में गणेश विसर्जन के मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। तेलंगाना हाई कोर्ट की जानिब से हुसैन सागर में पीओपी से तैयार की गई गणेश की मूर्तियों के विसर्जन पर लगाई गई पाबंदी के खिलाफ जीएचएमसी के कमिश्नर की जानिब से दाखिल की गई अर्जी की समाप्त 16 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी। हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करते हुए जीएचएमसी कमिश्नर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। शहर हैदराबाद के इलाके सईदाबाद की सिंगारेनी कॉलोनी में 6 साल लड़की की अजमत रेजी के बाद इसके कत्ल की वारदात पर वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सदर वाई शर्मिला ने आज मुतासिरा के घर वालों से मुलाकात करते हुए पुरजा दिया। शहर हैदराबाद के सईदाबाद की सिंगारेनी कॉलोनी में 6 साल कमसिन लड़की की अजमत रेजी और कत्ल के वाकये में मुलविस मुलजिम राजू का अब तक पुलिस पता लगाने में नाकाम रही। आखिरकार पुलिस ने इसकी तलाश के लिए लुकआउट नोटिस जारी किया है और पता बताने वाले को 10 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान किया है। पुलिस ने मुलजिम की फोटो और सीसीटीवी फुटेज जारी किया है। शहर हैदराबाद के सईदाबाद इलाके की सिंगारेनी कॉलोनी में 6 साल लड़की की अजमत दारी और कत्ल के मुलजिम की तलाश के सिलसिले में तेलंगाना पुलिस पड़ोसी रियासतों की पुलिस के साथ तालमेल कर रही है। मुलजिम राजू को पकड़ने के लिए पुलिस की 10 टीमें एक्टिव हो गई है। शहर हैदराबाद के सईदाबाद की सिंगारेनी कॉलोनी में 6 साल कमसिन लड़की की अजमत रेजी और कत्ल के वाकये में बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया में बरहमी देखी जा रही है। इसी दौरान पुलिस ने मुतासिरा लड़की की शिनाख्त करने के खिलाफ वार्निंग दी है। हैदराबाद सिटी पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल पर कहा कि इस शर्मनाक वाकये में मुतासिरा की शिनाख्त को जाहिर करना एक जुर्म है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने पुलिस की जानिब से सिंगारेनी कॉलोनी में 6 साल कमसिन लड़की की अजमत तेजी और कत्ल के वाकये में मुलविस मुलजिम राजू का पता बताने वाले को 10 लाख के इनाम के ऐलान पर सवाल उठाते हुए वजीर आला केसीआर से पूछा कि जब मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुआ था तो आईटी मिनिस्टर केटीआर ने ट्विटर पर राजू की गिरफ्तारी से मुतालिक पोस्ट किस लिए किया था। पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना के नौजवान शराब और गांजे के नशे के आदि हो रहे हैं, जिसकी वजह से जराइम पेश आ रहे हैं। उन्होंने पूछा कि होम मिनिस्टर महमूद अली के घर के करीब गांजा और गुड़म्बा अंधाधुंध बेचा जा रहा है, क्या सीएम केसीआर को ये सब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। साल 2017 में मंजरे आम पर आए ड्रग्स रैकेट के सिलसिले में ईडी की जानिब से टॉलीवुड के कई एक्टर से पूछताछ का सिलसिला जारी। तेलुगु फिल्मों की मशहूर अदाकारा मोमित खान ड्रग्स मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में पूछताछ के लिए आज ईडी के दफ्तर हाजिर हुई, जहां अहदेदारों ने उनसे कई घंटे पूछताछ की। दिल के ट्रांसप्लांटेशन के लिए ग्रीन चैनल किया गया, यानी 12:30 बजे से 1 बजे तक पुलिस अहदेदारों ने किसी की जान बचाने के लिए एम्बुलेंस जाने के लिए मलकपेट के यशोदा हॉस्पिटल से पंजागुट्टे के निम्स हॉस्पिटल तक ट्रैफिक को रोक दिया। सड़क हादसे में जख्मी होने वाले शख्स, जिसको बाद में ब्रेन डेड करार दिया गया था, इस मरीज का दिल इसके घर वालों की इजाज़त से निकाल कर निम्स हॉस्पिटल तक पहुँचाया गया। शहर हैदराबाद में 6 साल लड़की की अजमत तेजी और इसके कत्ल की वारदात के 6 दिन के अंदर जिले रंगारेड्डी अमांगल मंडल के मल्लापल्ली गांव में नामालूम अफराद ने एक खातून को चाकू भोंक कर हलाक कर दिया। मुकामी अफराद ने इस खातून की लाश को देखकर पुलिस को इस बात की इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस ने वहां पहुंचकर तफसीलात हासिल की और लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया।
17 सितंबर को सरकारी तौर पर यौम आज़ादी तेलंगाना मनाने और हुकूमत को इस सिलसिले में हिदायत देने के लिए एडवोकेट जनार्दन गौड़ ने तेलंगाना हाई कोर्ट में पीआईएल दाखिल की है और कहा कि 17 सितंबर हैदराबाद स्टेट के इंडियन यूनियन में इंजिमाम का दिन है, लिहाजा इस दिन सरकारी तौर पर मनाए जाए। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद के एमपी असदुद्दीन अवैसी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को चैलेंज देते हुए कहा, अगर उनकी हुकूमत में दम है तो वो तालिबान को दहशतगर्द तंजीम करार देकर देखिए। इन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल में तालिबान के मामले को उठाए। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय की प्रजा संग्राम यात्रा जारी है। उन्होंने आज वजीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव पर बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने का वादा करते हुए धोखा देने का इल्ज़ाम लगाया। बंडी संजय ने सीएम केसीआर को लेटर लिखकर खाली सरकारी नौकरियों पर भर्ती करने का नोटिफिकेशन इशू करने का मुतालिबा किया। खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स, इसके 4 लेयर जो आपके टैंक को रखे 100% यूवी प्रोटेक्शन, जो टैंक में बैक्टीरिया पनपने न दे, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक पानी को रखता है सेफ और हेल्दी हर मौसम में। अदनान वाटर टैंक्स ने प्रदूषण और जरासीम से पानी को बचाने के लिए थ्रेडिंग लॉक लिड सिस्टम की शुरुआत की है। अदनान हैवी ड्यूटी वाटर टैंक को इसके गुणवत्ता, मजबूती, टिकाऊ और खूबसूरती के लिए भारत भर में पसंद किया गया है। अदनान वाटर टैंक अपने ग्राहकों को 100% संतुष्टि प्रदान कर रहा है और ये हमें बताता है कि ये भारत के कई हिस्सों से जुड़ा हुआ है। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सॉल्यूशन।